ये आपके लिए, सबसे पहले आप अपना मुंह मिठा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। बहुत स्पेशल ओकेजन है जिसके लिए कुछ मीठा तो बनता है, तो वही बन रहा है। तो एक ग्लास मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप वाइट भी ले सकते हो, उसको पाउडर बना लिया है। एक बटर लिया था, उसको रूम टेम्परेचर पर रखा था, तो जब वो सॉफ्ट हो गया उसमें शुगर को डाल के शुगर को अच्छे से हमको मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी सा जो इसका वो है ना बैटर वो बन जाए। तो इट टेक्स अ लिटिल वाइल। तो ये देखो, ये हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 egg, 1 egg एट अ टाइम। पहले एक एग को डाल के उसको हमको अच्छे से फेंट लेना है। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम डालेंगे हमारा नेक्स्ट एग, उसको भी हम इक्वली वैसे ही अच्छे से फेंट लेंगे। और तब तक करेंगे जब तक अगेन पूरा मिक्स हो जाए और एक फ्लफ़ी सा और यू नो स्मूथ सा जो टेक्स्चर है वो आ जाए। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, और नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ उसमें जितना चीनी लिया है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा मैदा या आटा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और इसको हम छान लेंगे ताकि लम्प्स ना आए। इसमें डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, अगेन आप देख सकते हो इसमें लम्प्स आ गए हैं तो मैंने उसको अच्छे से सीव कर लिया। थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक, और जो बैटर है उसको ना बहुत तेज़ मिक्स नहीं करना है। इसको हम कहते हैं फोल्डिंग, तो बेसिकली धीरे धीरे हमको इसको फोल्ड करना है जो पूरा डो है उसको। एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, ताकि जो टेक्स्चर है जो बैटर का कंसिस्टेंसी है वो इस हिसाब से आ जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मोल्स हैं हमारे, उसमें मैंने नीचे हल्का सा ऑयल और ऊपर से सूखा आटा डाल दिया था, तो उसमें एक एक करके हम इसको भरेंगे और हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि अच्छे से सेटल हो जाए। यहाँ पे मैंने अरण्या को भी इन्वॉल्व कर लिया, बिकॉज वो बहुत खुश है, उसको बहुत मज़ा आता है ये करने में। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स, अरण्या के कोई फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो ना, तो देख लो जो वो शेयर करती है ना मफिन, कैसे चाट चाट के टेस्ट कर करके वो लेक बनाती है। सो देख लो आपको खाना है कि नहीं खाना है नेक्स्ट टाइम। चलो जोक्स अपार्ट, तो मुझे लगा कि उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। दो शी इज़ नॉट परफेक्ट, और बच्चे इस उम्र में आई डोंट एक्सपेक्ट अ परफेक्शन, बट वो जो खुशी मिलती है ना उनको कि हमने बनाया है, मैं करूँ क्या मम्मा। सो दो ये काम 5 मिनट में हो जाता है। शी टुक अ वाइल बट शी लर्न कि कैसे करना, एटलीस्ट कुछ तो सीखा ही होगा आई एम श्योर। तो प्री हीट कर लिया था अवन को मैंने 10 मिनट के लिए, और इसको अवन में डाल दिया है, और जो मेरा बेक था ऑप्शन उसको चूज़ कर लिया है। मैंने चलाया हाइपर लैप्स पे, बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसे एकदम से फूले फूले दिखते हैं तो, बट यहाँ पर थोड़ा लाइट ऑन ऑफ होता है, इस वजह से थोड़ा सा आपको वो स्मूथ नहीं दिख रहा होगा, बट आई जस्ट लव जब ये बिल्कुल प्लम्प और बड़े हो गए फूल जाते हैं। ये आपके लिए, सबसे पहले आप अपना मुंह मीठा कर। देख भी रहा है मफिन, हल्का सा तोड़ के दिखाओ कैसे बना। मैं अच्छा बाइट करके दिखाओ। ओके, ये सब की तरफ से अनन्या का बिग बाइट जो कि साइड में चला गया। देखो अंदाजे कैसा बना है, क्रंची ASMR। अच्छा अभी आईने को खाना दो, तो ये काफी अच्छा बनता है, इजीएस्ट है घर पे बनाने के लिए। लो लो जाओ, उसको छोड़ दो, ये लो। Of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. A very good evening, friends. और चाय मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ, और ये कप दिखाना लायक नहीं है, बिकॉज नेहा या मानस कोई तो बोलते हैं ऐसे क्या कप पे पर्दे लटका रखे हैं, तो वो मलाई निकाल जब साइड में रखते हैं कहते हैं पर्दे लटकाए हुए हैं। सो चलो चीयर्स ऐसे ही कर लेते हैं, हमेशा मॉर्निंग के चाय के साथ चीयर्स करती हूँ, अब से इवनिंग के चाय के साथ आपका चीयर्स करना पड़ेगा मुझे। एंड आई एम सो हैप्पी, आप सबका इतना अच्छा फीडबैक मिला है कि 3 PM इज बेटर फॉर यू। सो और क्या चाहिए था मुझे, बिकॉज मैं ऑब्वियसली मतलब चेंजेस आर गुड, बट चेंज करते हुए ना मन में एक वो रहता है, बिकॉज जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मॉर्निंग की ही आदत रही है। सो आई वॉज लाइक कि पता नहीं कैसे परसीव होगा, कैसा जाएगा, बट आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी दैट यू आर ऑलवेज देयर टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो थैंक यू उसके लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि यू आर ओके विद दिस टाइम। तो अब मुझे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे गुड मॉर्निंग लिखने की आदत हो गई थी कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग लिखा आता है, तो गुड के बाद मॉर्निंग ऑटो होता है ना वैसे आ जाता है, तो धीरे धीरे आदत लग जाएगी, बट आई एम सीरियसली ग्लैड
कि आप सबको ये टाइम पसंद आया 3 PM। और जो कपकेक है वो क्यों बनाया, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने स्टोरी पे शेयर किया था। आना इधर आओ। सो अनन्या का यूट्यूब चैनल है जो मैंने मेरे चैनल से पहले ही स्टार्ट किया था, माय रॉकस्टार डॉटर नाम से। सो उसमें क्या हुआ अनन्या, आराम से क्या हुआ? एक वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज आए। कितनी गंदी एक्टिंग करती है अनन्या, पता है। सो बेसिकली अनन्या का वन वीडियो, मतलब इससे पहले का जो हाईएस्ट अनन्या का था, इट वॉज 5 मिलियन ऑन वन ऑफ हर वीडियो। बहुत पुराना वीडियो था, बट वन ऑफ हर रिसेंट वीडियो गॉट वायरल, एंड आज के डेट में 10 मिलियन कुछ दिन पहले था, एक दो दिन पहले, आज के डेट में इट इज ऑन 12 मिलियन व्यूज, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। आई मीन सोचो 12 मिलियन लोग ने इसको देखा हुआ है। सो इट वॉज अ बिग बिग, इट इज एक्चुअली बींग अ यूट्यूबर, मतलब अगर आपका कोई वीडियो ऐसे वायरल होता है, इट इज बिग अचीवमेंट। और क्या मतलब, मेरी बेटी ने अगर वो करा है तो इससे ज्यादा बड़ी और खुशी क्या हो सकती थी। सो इसीलिए मैंने उसके लिए छोटा सा एक सेलिब्रेशन आई सेड कि चल कपकेक तुम्हारे लिए बनाते हैं, एंड आई शेयर दिस विथ यू ऑल ऑन इंस्टाग्राम। आप सबने बहुत सारे विशेज दिए, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यस, एक और चीज़ के लिए थैंक्स बोलना है, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने कुछ बुक रिकमेंडेशंस मैंने मांगी थी इंस्टाग्राम में, तो आपने भेजा था, तो मैंने 3 बुक्स मंगाई थी। तो एक तो था माय सीक्रेट यूनिकॉर्न, ये भी पूरा मैंने बोला था सीरीज बेस्ड बताना, तो एक ये था। बाकी बुक्स का है ना, ये हैं बाकी 2 और बुक्स। एक ये है पर्क जैक्सन की द लाइटनिंग, अच्छा पर्सी सॉरी। तो ये अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है इसको? नहीं। ओके, और ये पूरा पढ़ लिया ना मैंने, ये भी पूरा पढ़ लिया, यूनिकॉर्न वाला भी पूरा पढ़ लिया। ये अनन्या सेकंड टाइम पढ़ रही है ना, एंड दिस अनन्या कंप्लीटेड। बट नैंसी ड्रू, जैसे मैंने बोला था कि आई एम ट्राइंग कि कौन सा उसको सीरीज नया पसंद आया, तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा नैंसी ड्रू, तो मे बी वी विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज। तो थैंक यू जिन्होंने ये सजेस्ट किया था, यस माय सीक्रेट यूनिकॉर्न। और ये वाला भी अनन्या पढ़ेगी तो फिर इसके रिव्यूज बताऊंगी मैं अनन्या को कैसा लगा। काफी लोगों ने लिखा था अगर आपको हैरी पॉटर पसंद है, यू लाइक दिस बुक, सो लेट्स सी हमारी अनन्या को क्या पसंद आता है। एटलीस्ट वन आई गॉट टू कीप हर बिजी। अब इसका मुझे नेक्स्ट क्या, पॉटर हेड फॉर लाइफ, वो तो तुम हो ही। सो इसका भी मुझे नेक्स्ट 1-2 और बुक्स मंगा ली, इसी सीरीज को अभी फिलहाल कंटिन्यू करेंगे, है ना? You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. बॉटल्स ना मैं कब से सोच रही हूँ, खाली होंगे तो वॉश करेंगे, लेकिन कुकिंग के टाइम पैसा होता है ना, इमीडिएटली चाहिए होता है तो रिफिल कर लेते हैं, तो इसको ऊपर से ही क्लीन कर देते हैं तो एटलीस्ट साफ रहेगा, बिकॉज खाने के टाइम पे वो खाने वाले हाथ लगते रहते हैं ना, और अगर फ्रीक्वेंटली क्लीन नहीं किया ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो मैं स्पंज यूज कर रही हूँ ना, ये ओवर द टाइम यूज करके जो सॉफ्ट हो जाते हैं वो वाला है, फ्रेश नया यूज करोगे तो बिल्कुल उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो ऐसा साफ करके जस्ट कपड़ा लेके उसे पोंछ देंगे, फाइनली टिश्यू पेपर लेंगे उससे पूरा अच्छे से वाइप कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से ना पूरा साफ हो जाता है। Starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. पता होगा हर साल जब अनन्या की बुक्स लानी होती है ना, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड स्टोर है जहां से जनरली जो बुक्स हैं, लाइट देखने दो, वो मैं मिलती है। मोस्टली सब स्कूल का ऐसा ही रहता है, कोई तो एक शॉप वो बता देंगे आपको, वहीं से बुक्स लेनी होती है। सो एनसीईआरटी की अनन्या की जो बुक्स है ना, 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स इस बार चेंज हो रहे हैं तो वो नहीं आई है। उसके अलावा मैं हर साल ना, इतनी भीड़ होती है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक स्टोर होता है ना और वहां पे काफी सारे स्कूल्स के बुक्स मिलते हैं, तो इतनी भीड़ होती है, लाइन लगती है वहां पे। सो मैं हर साल ना डंजो से ही मंगाती हूँ, तो आज मैंने डंजो से ही
जस्ट मैंने कॉल किया था उनको, उन्होंने बोला सारी बुक्स आ गई हैं सिर्फ एनसीईआरटी वगैरह को छोड़ के, क्योंकि वो बुक्स शायद जून जुलाई तक आएंगे ऐसा उन्होंने बोला। सो बाकी सब मैंने मंगा ली। तो घर पे बैठे यू नो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। काफी लोग बोलते हैं कि इनके डिलीवरी चार्जेस बहुत हैं 250 के करीब, तो आई थिंक यू नो आप जाओगे आओगे वहां पे खड़े रहोगे, पेट्रोल का खर्चा एवरीथिंग मिला के मुझे ऐसा लगता है उतना हो ही जाता है। सो ये तो मेरा हर साल का है, डंजो मैं ऐप डाउनलोड करती हूँ आज तक मेरे जितने 3 साल से मैं डंजो यूज कर रही हूँ एंड ओनली वंस इन अ ईयर टू गेट दीज बुक्स। सो रात के डिनर के लिए मैंने भिंडी फ्राई करी थी बिल्कुल सिंपल वही टमाटर, इस बार टमाटर डाला था प्याज के साथ साथ और बेसिक मसाले डाल के उसको ड्राई ड्राई करके फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मेरा जो दाल और चावल हैं जो शाम को सोक किए थे तो वो भी सोक हो गए थे अच्छे से, तो अगले दिन के लिए ये काम भी बहुत ज़रूरी था। तो चावल को अलग से और जो दाल है उनको मैंने अलग से पीस लिया था। इसमें ना पोहा भी डलता है, मैं भूल गई थी, तो आप हल्का सा पोहा सोक करके उसको इसमें डाल दोगे तो आपके डोसा और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे अभी जस्ट यू नो मिक्स करते हुए मैंने देखा कुछ कुछ दाल के पीसेस रह गए हैं, तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से पीस लो। सुबह उठ के सबसे पहले बैटर चेक करना होता है और अच्छे से फूल गई है जो बैटर है काफ़ी अच्छे से। काफ़ी बार ना ओवर फर्मेंट भी हो जाता है तो वो भी बहुत ऐसे स्मेल आता है, वो भी सही नहीं होता। ये बिल्कुल परफेक्ट फर्मेंटेशन हुआ है, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी। चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आके सबसे पहले ना मैंने बैटर चेक किया मॉर्निंग में, बिकॉज ऐसा बैटर अच्छा नहीं होता है कितना फूला कितना नहीं फूला, एंड इट वॉज लाइक परफेक्ट, आई एम वेरी हैप्पी। और देखो आज मॉर्निंग के चाय की भी चीयर्स, इधर इग्नोर मारो गंदा लग रहा है, इधर से चीयर्स। इमली इतनी हार्ड हो गई है तोड़नी पड़ रही, काफी काफी काफी, बस ये छिलके निकले बस, काफी है, नहीं ये है इतना काफी है। फ्रिज में रखा रहता है क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होता, खराब हो जाएगा करके, तो बिल्कुल हार्ड। इसको करते हैं सोक, तो प्रिपरेशन सारी वॉशिंग वगैरह जो होता है ना मैं जिम जाने से पहले करके जाती हूँ। सो यहाँ पे सांभर वॉश कर दिया है, यहाँ पे इसको सोक करने को रख दिया है, सब्जियाँ सारी वॉश कर दी है, ज़्यादा सब्जियाँ डाल नहीं रही मैं सांभर में, बेसिक से ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे इडली के बर्तन धो दिए, अनन्या को इडली बहुत पसंद है और सुभाष को डोसा, सो मेरे को हमेशा दो दो चीज़ें बनानी पड़ती है। जस्ट बैक फ्रॉम जिम और सुभाष मुझसे थोड़ी देर पहले आया था, अभी सुभाष और अनन्या की लड़ाई चल रही है। तीन बाथरूम है घर में लेकिन सबको एक ही बाथरूम चाहिए, सबको एक बाथरूम चाहिए, उसमें को भी लेके फाइट। और कितने बाथरूम लेके आए भाई, हाँ तो अनन्या तुम दूसरा बाथरूम क्यों नहीं यूज कर रहे हो? सोलर वाटर का एक बाथरूम है और बाकी बाथरूम में सोलर वाटर नहीं आता है, तो सुभाष को वो चाहिए। अनन्या भी भाग के जैसे देख रही है सुभाष घुसने वाला है, भाग के अंदर घुस गई। तो है अनन्या का जुलाई में, पर जुलाई तो आने ही वाला है ना बस कुछ टाइम में, तो अनन्या का बिल्कुल बर्थडे का लिस्ट रेडी हो गया है। टेलर स्विफ्ट भी है हर सेल्फ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नेवर नो अनन्या, इस बर्थडे नहीं बट समवेयर सम टाइम यू समवेयर इन द यूनिवर्स समवेयर समवन गॉट इट वर्स। सो जुलाई बस आने वाला है फ्रेंड्स कल परसों में, तो हमारी बर्थडे लिस्ट रेडी हो गई है अनन्या की। इतनी जल्दी बुक खत्म कर दूं, मैं कितनी बुक्स मंगाऊं, सारी बुक्स ऐसे दो तीन दिन में बैठ खत्म कर देती हूं। तो मेरी गलती तो ना है। सो जस्ट फटाफट नाश्ता खत्म किया क्योंकि अभी ऑलरेडी 11 o'clock के अराउंड हो गया, तो अभी सांभर चढ़ाते हैं पहले। तो ये सारी सब्जियां ली है मैंने, अनलिमिटेड है सब्जियां जो आप ले सकते हो। मैं थोड़ा सा ना अदरक और लहसुन रखा है, तो ये सब इसमें दाल में ही डाल देंगे, सब इसमें डाल देंगे, नमक थोड़ी हल्दी धनिया पाउडर, मसाला थोड़ा मैं अभी डाल रही हूँ और थोड़ा मैं ना जब तड़का लगाऊंगी इस टाइम पर डालूंगी, थोड़ा सा इमली का पानी, मुझे ना ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता है सांभर तो मैं हल्का ही डाल रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसमें लगा लेंगे बेसन, मैं एक ही बेसन लगाऊंगी क्योंकि दाल सुबह धोया था ना तो सॉफ्ट हो गई है और मुझे ड्रमस्टिक्स को भी ज्यादा गलाना नहीं है। सो मेरे बालों को लेके मुझे 2 बार कमेंट आया आप में से किसी फ्रेंड का कि मैं बालों में कौन सा कलर यूज करती हूँ। सो थैंकफुली सो फार मेरे ग्रे हेयर नहीं है, सो कोई कलर यूज नहीं करती हूँ, बट आई कैन सी 1 or 2 यहाँ पे जो है ना एक आध सफेद बाल बीच बीच में आने स्टार्ट हो गए हैं, सो 40+ तो ये तो होना ही है। सो अदरवाइज अभी तक ग्रे हेयर नहीं है, तो आई डोंट यूज एनी कलर। अनन्या के भी बाल देख लो भाई, क्लोरीन वाले बाल, स्विमिंग पूल जाती है क्लोरीन वाले बाल रहते हैं, फिर उसको वॉश नहीं करती है ना, सुन लिया सबने। तो मैं ना जनरली कड़ी पत्ता ड्राई करके रख देती हूँ ताकि जब भी जरूरत पड़े ना मैं यूज कर सकूँ, और यहाँ पे तो इतनी धूप है, तो मैं सोचा कि बंच में मंगा लेती हूँ ज्यादा और फिर मैं उसको अच्छे से बीन के ना बाहर धूप में डाल दूंगी, तो आराम से मेरा 1-1.5 महीना स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं तो चल जाता है। तो मैंने मंगाया 100 ग्राम और आया इतना सारा, पहले तो मुझे आइडिया नहीं लगा था 100 ग्राम का कितना सारा आया है, ऊपर से ये देखो पूरे जो पत्ते हैं ना इतने खराब आए हैं, जो कीड़े होते हैं ना सब पत्तों में, ये एक मिनट रुको, हाँ देखिए क्या हुआ, ये देखो ये वाले कीड़े जो हैं सब पत्ते में ये वाला कीड़ा आया हुआ है, ये वाला। तो अब ये बहुत बड़ा टास्क है इसमें से निकालना कि कौन सा काम का है
तो उनको धो के फिर ना ड्राई करके रख दूंगी। मैंने बंच देखा उसमें से बस इतना ही निकला जिसमें कीड़े नहीं थे, बाकी सब में कीड़े थे। एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, ये देखो अपने आप ही ना, मैंने यहाँ पे तुलसी ग्रो करी है। मुझे था कि तुलसी लेके आऊँगी, तो यहाँ पे आई थिंक ऊपर ना किसी के फ्लैट में तुलसी होगा, तो वहाँ से सीड्स आके यहाँ पे ये प्लांट आ गया है। अब उसको मुझे रिपॉट करना है, बट इतनी धूप होती है ना बालकनी में, वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये भी ऊपर से कहीं से अपने आप ही ये ग्रो किया है, उसमें देखो ऐसे फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। सो सदाबहार जो फूल होता है ना वो है, और ये जो मंदिर में पूजा करने के बाद जो फूल थे ना वो सूख गए थे, तो मैंने वो यहाँ पे डाल दिया। ज़्यादा मेहनत नहीं करी मैंने, इनका ग्रो होएंगे तो अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। लेट्स सी, शायद एक आध आ जाए। तड़के के लिए ये सब यूज़ करने वाली हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये गुड़ रखा है, थोड़ा सा वो जो खटास है ना उसको बैलेंस करने के लिए। और हम दाल में यूज़ करेंगे थोड़ा सा और सांभर मसाला। तो मैं तड़का लगा रही हूँ घी में, हल्का सा घी लेंगे। राइस चटकने लग गई है, जो हमारा दाल है उसको धीरे से अपने डाल देंगे, उसको उबलने देंगे। सो काफ़ी लोग ना ये दाल को काफ़ी ज़्यादा गलाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दाल गली पसंद आती है तो दाल को अलग से आप सीटी लगा लो, और सब्जियों को ना जब तड़का लगा रहे हो उस टाइम पे फ्राई कर लो, फिर वो दाल को मैश कर लो आप। मैश करके फिर आप उस तड़के में डाल सकते हो। बस हम, मुझे ऐसा पसंद है, तो दोनों का ही टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है। और सांभर मसाला मैंने पानी और डाल दिया है, क्योंकि अभी इसको मैं थोड़ी देर और उबालूंगी कम आँच पर हल्का सा ढक के। सो ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। हल्का सा ही मीठा डालूंगी क्योंकि खट्टा ज़्यादा है नहीं, तो इसको हल्का सा हिला लेंगे और फिर बंद कर देंगे। बस ये जागरी डालने के लिए, लास्ट टाइम बहुत पहले जब मैंने बनाया था ना सांभर, आप में से किसी फ्रेंड ने बोला था कि हल्का सा दीदी इसमें जागरी डालना, तो आज डाला, तो आज बिल्कुल सही बैलेंस आया टेस्ट। हॉरर बिल्कुल नहीं लगाओगे, ये हॉरर के यहाँ पे शोज देखती है, फिर रात को ऐसा उठने में भी ऐसा हल्का सा ऐसा, पहले तो पूरी रात को अनन्या उठती थी, डाक में भी उठ के जाके पानी पी के आती थी, इधर शक्ल तो दिखाओ। और अभी ये ऐसे अजीब अजीब से शोज देखने लगी हॉरर वाले, कि दरवाजा भी बंद नहीं होता उससे बेडरूम का अपना उठ के, बिल्कुल वो हॉरर वाले नहीं लगाओ ना, सीरियस नोट। ये देखो ये सारे 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 हॉरर वाली कहाँ गया वो पीछे, सब ये स्कैरी स्कैरी, ये सब देखो इसकी हिस्ट्री नहीं देखना, बिल्कुल हॉरर वाला। हाँ ये पता नहीं क्या क्या देखती रहती है। तो चटनी के लिए यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, ये फ्रेश नारियल है, और जो आता है ना वो आपका श्रेडेड वाला वो है, और इसको पीसेंगे इन सब चीज़ों के साथ। मैंने बहुत सारी मिर्ची ले ली, हरी मिर्च, बिकॉज अनन्या को ये चटनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वी आर गोइंग टू एन्जॉय दैट फुल स्पाइसी। सांभर ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया है। इमली रखी है, अदरक, धनिया, और ये है आपका कड़ी पत्ता, और ये जब पिस जाएगा हल्का सा नमक डालूंगी इसमें, तो उसमें डालेंगे इसका छौंक तड़का। तो जीरा है, मस्टर्ड है, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और हींग, हल्का सा तेल डाल के इसका छौंक लगा लेंगे इस पर ना। इसमें मैंने पानी भी डाला है। Though I felt misunderstood, it was a pleasure. So friends, बिल्कुल juicy juicy watermelon, और काफी मीठे हैं watermelon और अंगूर। इनका तो मुझे ऐसा जब भी खाती हूँ ना इतना doubtful रहता है ना मन में, दो ये सोच के खाते कि बहुत हेल्दी होगा, लेकिन वाटरमेलन में कहते हैं ना वो इंजेक्शन लगाते हैं कुछ तो मीठे का, और ग्रेप्स में कहते हैं कि बहुत पेस्टिसाइड पड़ता है, तो आई डोंट नो, मुझे बहुत पसंद है दोनों ही फ्रूट्स। और यस, दूसरा एक और चीज़ कि मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप वो दिखाया करो ना, जैसे आप बैठ के टाइम पास करते हो, फोन देख रहे होते हो, रील्स वगैरह देख रहे होते हो, सो आई वुड लव टू शेयर दैट, बट दिक्कत ये है कि घर उसके लिए आपको दो फोन चाहिए, इस फोन पे जिस पे रिकॉर्ड होता है, तो जब इस पे रिकॉर्ड होता है मैं उस पे देख नहीं सकती रील, तो अगर दो फोन होता है तो एक पे जैसे रिकॉर्डिंग चला लिया, दूसरे पे मैं रील्स अगर देखूं तो मैं वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सिर्फ एक्टिंग करने के लिए अनन्या का फोन पकड़ के, क्योंकि अनन्या का फोन इज लाइक जस्ट टाइम पास फोन, तो मैं वो दिखा नहीं पाती, बट येस आई डू वॉच रील। आपने देखा होगा अपनी स्टोरीज पे इंस्टाग्राम पे मैं कितना सारा वो यू नो मोटिवेशनल वो चीजें, फनी चीजें जो है वो डालती रहती हूँ। सो डेफिनेटली आई ऑल्सो यू नो बहुत वो गंदा वाला जो है ना, एक बार रील पे रील स्वाइप करके जो टाइम पास होता है ना आपको पता ही नहीं चलता, पांच मिनट का कभी एक घंटा हो जाता है, आई ऑल्सो डू दैट। सो बैनिया को दिया है खुद ही के कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए, अभी सारे इसमें से निकाली कि कौन सा उसको पहनना है कौन सा नहीं पहनना है, और दो पार्ट्स में डिवाइड करे, जो ज्यादा पहनेगी जो कम पहनती है बाहर जाने वाला। ठीक है, अच्छे से बैठो, बैठ के पूरा फोल्ड करो कपड़ों को, अच्छे से फोल्ड करके आईने, बिल्कुल नाटक नहीं, सीधे बैठो, नीचे बैठो और ढंग से करो। मैं 30 मिनट्स में आ रही हूँ, ऐसा नहीं कि पूरे दिन इसमें बैठे रहोगे क्या। चलो करो, सेट करो उसको, पूरा कबर्ड में डालेंगे इसको। वैसे ये ऑर्गेनाइजर और पूरा मेरा होम डेकोर का एक हॉल वीडियो गया है इससे पहले, तो अगर नहीं देखा है तो पक्का चेक कर लेना। ओ कर दिया अनन्या अच्छे से पूरा स्टैक। हाँ अनन्या, नाइस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना करोगे, अब इसको कबर्ड में डाल दो।
वो तो कोई बात नहीं, तुम्हें ठीक करोगे। अब तुमको समझ में आ गया ना किसमें क्या कपड़ा, तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुमको खुद तुमने तय किया तो तुमको पता है कि कहाँ पे क्या है। मैंने रैंडमली रखा है। रैंडमली रखा है, फिर तुम देखो फिर मतलब किसी मुझे मत पूछना मत नेक्स्ट टाइम मेरे ये वाला टी शर्ट कहाँ है वो कहाँ है, ठीक है? बिकॉज अब आपने रखा, मैं ये बोलूंगी आपने रखा, आप देखो। ये हो गया अनन्या का सेट। अनन्या यानी कि स्कूल के न्यू यूनिफॉर्म सब वॉश करके सेट करने पड़ेंगे। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक। वैसे जो डोसा का बैटर होता है ना वो पतला होता है, इडली का थोड़ा सा थिक होता है और थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों को बनाने के लिए। बट मैंने एक ही बैटर बनाया है तो मतलब ऐसा है कि बन ही जाता है इससे भी। देखो कितना अच्छा मस्त ये हुआ है। सो अभी पहले अनन्या के लिए बना देते हैं इडली। Just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle. So, डोसा के लिए मैं थोड़ा सा बैटर अलग से निकाल के उसमें पानी डाल रही हूँ, बिकॉज डोसे में थोड़ा सा थिन बैटर लगता है तो मैं कम कम करके ही बना रही हूँ जस्ट टू सी कंसिस्टेंसी क्या आती है, फिर मैं और एड ऑन करूंगी। It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet? So starting का सिर्फ एक डोसा था जो थोड़ा सा चिपका था, बाकी मस्त बिल्कुल ऐसा है खुद ही खुद निकल के आ जा रहे हैं। So thank you for watching my vlog friends. बहुत ज्यादा vlog आज लंबा हो गया, क्या बोल रहे हो? Thank you for watching my useful vlogs. Please don't forget to like it, subscribe it and click the bell and notification. So we will sub or comment and comment too. So we will see you in the next video. Already mera vlog itna lamba ho gaya, maine thoda sa aur lamba kar diya hai na. We'll so see you friends. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.